ठंड से बचाव के लिए सभी चेक पोस्ट पर पहुंचेगी लकड़ी। दिव्यांग डिस्ट्रिक्ट आइकॉन फिर निकले सड़कों पर, एकत्रित देखने पर दिलाई शपथ। जिला बदर के उल्लंघन में आरोपी गिरफ्तार। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा और पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ शुक्रवार को कटंगी विधानसभा के भ्रमण पर रहे। इस दौरान उन्होंने नहलेसरा और बोनकट्टा चेक पोस्ट का जायजा लेकर SST टीम प्रभारी की उपस्थिति सहित पूरी टीम की उपस्थिति तथा CCTV की लोकेशन और निकलने वाले वाहनों की एंट्री पंजी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने रात में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। SST प्रभारी व रात में ड्यूटी पर तैनात रहने वाले कर्मचारियों ने बताया कि ठंड बढ़ने लगी है, इसलिए आवश्यक व्यवस्थाएं जरूरी हैं। कलेक्टर व DEO डॉक्टर मिश्रा ने वन विभाग, जनपद CEO तथा जिले के समस्त चेक पोस्ट पर लकड़ी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा निर्वाचन में दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली सुविधा और 100% मतदान के लिए जिले में GR घोड़ेश्वर को दिव्यांग डिस्ट्रिक्ट आइकॉन नियुक्त किया गया है। शुक्रवार को जब वे अपनी ट्राइसिकल से सड़क पर निकले तो कई स्थानों पर कई मतदाता एकत्रित दिखाई दिए। ऐसे में उन्होंने अवसर मानते हुए न सिर्फ मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई बल्कि मतदान दिवस तथा मतदान का समय भी बताकर मतदाता जागरूकता का संदेश प्रसारित किया। पुलिस विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया कि भरवेली थाना क्षेत्र के बदमाश विश्वजीत बलराम चौहान को 19 अक्टूबर को जिला बदर घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत जिले की सीमा से एक वर्ष के लिए बाहर रहना था, जिसकी सूचना भी विश्वजीत चौहान को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने सतत अपराधियों गुंडा बदमाशों पर निगरानी रखते हुए भरवेली वार्ड क्रमांक 5 के विश्वजीत चौहान को जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारतीय दंड विधान धारा 188 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इसके अलावा पुलिस द्वारा थाना प्रभारी किरणापुर द्वारा मोटरसाइकिल से 60 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक श्री R. आनंद कुमार व व्यय प्रेक्षक श्री अतुल पांडे ने गत दिवस चिन्ह आवंटन के पश्चात प्रत्याशियों के साथ आयोग के निर्देशों के पालन के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान बालाघाट रिटर्निंग अधिकारी गोपाल सोनी ने जिले के समस्त मतदान केंद्र और मतदाताओं के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी। इसके साथ ही 3-3 व्यय व सामान्य प्रेक्षकों तथा 2 पुलिस प्रेक्षकों की नियुक्ति के संबंध में अवगत कराया। RO ने PPT के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि निर्वाचन सामग्री का वितरण और प्राप्ति स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से 16 नवंबर को प्रातः 6 बजे से होगा। साथ ही मतदान समाप्ति के पश्चात सामग्री प्राप्ति स्थल भी यही होगा। इसके अलावा जिले की सभी 6 विधानसभाओं के स्ट्रांग रूम भी स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए हैं।